जय गुरुदेव जय जगन्नाथ आपण मानक प्रिय कार्यक्रम दिव्यावलोकन आसर को शरण अरविंद आपण मानक स्वागत करुच्चे। दीर्घ दिन धरी जारी रही आलोचना आम मन भितर अनेक असमाहित प्रश्नर उत्तर रखुंट रेकी मिशन प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु श्री संत। तबे चलित अध्याय आम मान शोचन करने को आम मान प्रति प्रश्नर प्रत्युत्तर देवा आम निकट अच्छा विज्ञानी गुरु जय गुरुदेव गुरु जय गुरु गुरुजी। आम विगत अध्याय आलोचना करते कि भाव में ये पंचदल एम ज्योतिर्विज्ञान को प्रभावित करती ग्रह विपात मानव को रक्षा करती एम आहरी सब बड़ भूमिकाटे रही अनेक वास्तुदोषर एम प्रतिकार करती आपण जो भाव रवि ग्रहर कथा कहते रवि नीचा हेल्ले जो भाव में मनीष को बदनामी आड़ को डाकि नहीं जाए विपत्ति आड़ को डाकि नहीं जाए एवं से समय इन्हें गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती। ठीक सेमिति गुरुजी एम आउ कौ क्षेत्र में आम मानविक जीवन में प्रभावशाली जहाँ आम गोटे पंच दल कथा चर्चा करुचे कहीं आर प्रचलन रहा आम समाज उपरे जो प्राच्यर साधु सन्त मैने पंच दल कहीं कहले जे ना या ही आम घर भितर रखा ये गुण गुड़ी लगे उचित गोटे आम भितर जोबले आम माध्याकर्षण महाकर्षण शक्ति कथा सब चर्चा करे कि आउ गोटे अच्छी सौर आकर्षण बा व्यक्ति एवं सूर्य भितर गोटे आकर्षण अच्छी जितेबले विभिन्न प्रकार रश्मि सूर्य ठू आसे जहाँ को आम नवग्रह बोली कहे सप्त रंग भितर से आम दीटी ग्रह को कहे जे ये सुप्त ग्रह एवं सतटी रंग मुख्यतः आम जीवनधारा को प्रभावित करने मुख्यतः दायी तो ये जो सतटी रंग भितर जोबले कौन सी पार्थक्य देखा दिए से मनीष भितर पर देखा दिए जो आम कहूँ दुख कष्ट दुनिया रे दुख कष्ट लाघव आम विभिन्न प्रकार ग्रह शांति रो पूजा करवा ग्रह मान को निजर करने विभिन्न रत्न पत्थर ग्रहण करवा ये सब हूँ प्रतीकात्मक प्रतिकार भाव में आम करुचे कहीं जो रश्मि सूर्य आसुची जो अनुपात आम शरीर भितर तार आवश्यकता अच्छी तुम जदि न्यून अधिक हुए तो आम भितर दोष त्रुटि देखा दिए तो ये जो पंच दल कथा आम कहे ये पंच दल सूर्य रश्मि आकर्षण करिवार शक्ति अच्छे जहाँ आम विज्ञान अनुसार पढ़ुचे जे वृक्ष केमिति तार खाद्य प्रस्तुत करे ना तार जो पत्र अच्छी से पत्र कोशिका द्वारा सूर्य रश्मि को आकर्षित करे संग्रह करे ग्रहण करे एवं ताको माध्यम करे से तार खाद्य प्रस्तुत करे जहाँ साधारण विज्ञान कथा तो जो प्रमाणित होची प्रत्येक वृक्ष ग्लूम जी भी हो तार पत्र कोशिका भितर से शक्ति अच्छी से सूर्य रश्मि को आकर्षित करे एवं संग्रह कर रखिपे तो से तर्क को युक्ति को आम पाथेय करके आम जो प्राच्य मुनि ऋषि माने थिले से कहे कौ ग्लूम को आम व्यवहार करवा कारण वृक्ष घर पाखरे रखा विपज्जनक जो आम प्राच्य संस्कृति रे करा जायतिला द्वार घर एवं बारी बा गछ लगेवाई बारीर आवश्यकता अच्छी किंतु गुल्म इते हितकारी जहाँ को आम सामने बा दांडे लगे था जहाँ प्रभाव आम परिवार उपरे पड़े बा घरटी उपरे पड़े ये जो पत्र कोशिका अच्छी जो पंच दल कथा कहे आम ये पंच दल जो कोशिका द्वारा आकर्षित करे सूर्य ठारू विभिन्न रंगर रश्मि से रंगर रश्मि द्वारा आम प्रभावित हो आमर जो ग्रह नक्षत्र स्थिति उपस्थिति दोष त्रुटि विच्युति थाए से सबुगुड़ी भरणा करती पंच दल को लगे बार आवश्यकता अच्छी आज मध्य जदि आम देखु आम समाज रे इमती अनेक व्यक्ति अच्छा पंच दल को संपूर्ण देखि नथिबे मुख्य शरीर बा स्वास्थ्य को मुख्य बोली ग्रहण करथिबा हेतु तुलसी वृक्ष को तुलसी चौरा बा बृंदावती करी घर सामने रे रखा जाउची
आउ चारोटी दल विषय खूब कम आम भितर ज्ञान थी तेणु गोटे पर गोटे सुस्थ परेश सुस्थ मानसिकता पाई जो पंच दल अच्छी जो पंच ग्लुम अच्छी पंच ग्लुम को रखा निहाती आवश्यक जहाँ आम मरुआ कथा कहू रुंकुणा कथा कहू जमी आम कौ योटी कथा तो आम चर्चा कर रुंकुणा कथा हूँ जे सबुठ अधिका सूर्यरश्मि ग्रहण कर ग्लुम जो आम कह रुंकुणा रुंकुणा अर्थ जी सब बड़े साइती रखे कम कम खर्च करे एवं क्या दबापाई इच्छा प्रकाश करे ना रुंकुणापण जहाँ भितर बेस रुंकुणीपण तेणु सी हूँ रुंकुणा तार जो पत्र अच्छी से पत्र एते ता भितर शक्ति अच्छी से सूर्य किरण को सूर्य रश्मि को बहु समय धरी निज भितर चापी धरी रखी पारे जहार प्रभाव जितेबले तार बास चहटे सेतेबले से बास को माध्यम करी से रश्मि प्रवाहित हुए एवं गोटे परिवेश परिस्थिति एमती सृष्टि करे जहाँ आम पाई हितकर हुए आम मानसिक स्तर में शारीरिक स्तर में आम पाई उपयोगी होता है जमीती गुरुजी तुलसी औषध भाव सर्वाधिक व्यवहार हबार देखा जाए जो भाव में क्या थंडा बेसी हो गले अबा कह रे काश बढ़ीगले बहु सहजे कहे ना तुलसी पत्र बाटि महु टी दे दि ठीक है ज्वर बेले यार व्यवहार कराए ठीक सेमती एवं गुरुजी पचारि बुझाक इच्छा जे दुर्लभ एवं रंकुण आदि कौन से सीधासख औषधीय गुण अच्छी कि दिव्य आप लोक ने आम मान सब प्रश्नर उत्तर देवाक आम गहन अच्छा विज्ञानी गुरु श्री सन्त गुरुजी आम प्रश्न करूँ तुलसी जो भाव प्रत्यक्ष भाव औषध भाव में व्यवहृत हुए ठीक सेमती अन्य गुण मान व्यवहृत हूँ कि ये पंचदल भितर आम कारक हिसाब से जी ग्रहण करूँ आज्ञा केते गुड़े ग्लुम प्रत्यक्ष भाव में काम करती केते गुड़े ग्लुम परोक्ष भाव में काम करती जहाँ वनस्पति तंत्र अनुसार जी आम देखु तो सबुगुड़े ग्लुम प्रत्यक्ष भाव में काम करती ना द्वितीय कथा आम शारीरिक स्तर में जितेबले रुग्ण होचे से तुलसी दल को आम आश्रा करूचे जो मानसिक स्तर में रुग्णता आम आसबाद आम आउ जो चारि दल रहा रुंकुणा दयणा दुर्लभा जो रहा मरुआ यूँ चारोटी ग्लुम रहा ये परोक्ष भाव आम उपर प्रभाव विस्तार करती परोक्ष भाव तार दल को आम व्यवहार नक दलर निर्गत होता सुवास दलर निर्गत होता औषधीय गुण परोक्ष भाव आम मानसिक स्तर में आम मस्तिष्क उपर तार प्रभाव विस्तार करती जो आम बारंबार कहे जी पंच गुलम को घरे लगे निहाती आवश्यकता अच्छी तेणु गुलम अनुसार तुलना करते तुलसी औषधीय गुण को जितेबाला आम नहींचे शारीरिक स्तर में तार औषधीय गुण अधिका थिबा हेतु ताकू सर्वसाधारण परिचित कराइवापी तापाई गोटे निर्दिष्ट स्थान सृष्टि करा जाइछि जहाँ को आम चौरा बा वृंदावती कहचे जेमती आज समय रे आम मरुआ को चिन्हवापी सामर्थ्य आम भितर ना अनेक जापर ना अनेक जो चारोटी ग्लुम को जानापी कष्टसाध्य हम तेणु काले सेमती हम तेणु सबुठ जोटा उपकारी ग्लुम तुलसी ताकू से मैंने चौरा बा गोटे निर्दिष्ट स्थान प्रदान करे किंतु आमर बर्तमान समय आसी जदि उभय शारीरिक एवं मानसिक स्तर में आमको सुस्थता रक्षा करने आम इच्छा प्रकाश करुचे पंचग्लुम लगे केवल स्वास्थ्य नुहे वास्तुगत दोष त्रुटि को दूर करने ग्रह शांति एवं गोटे परिवेश सप्त रंग आच्छादित कर रखापी ए पंच ग्लुम को व्यवहार में आणवा निहाती आवश्यक जो जो जगार आम देखुचे अनयुटिलाइज लैंड जोटा व्यवहार हो जो स्थान से स्थान आम लगे पार्बा तुलसी को पूजा नक तुलसी वृक्ष उपकारी वृक्ष भाव उपकारी ग्लुम भाव आम अन्यत्र लगे पार्बा अन्यत्र तार जमती आम कहे जे गछर आवश्यकता समस्त अच्छी गोटे गछ गोटे जीवन सहित जड़ित किंतु गोटे ग्लुम
ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନିହାତି ରହୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସଂସାର ବା ପରିବାର ରକ୍ଷା ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ଲୁମ ଲଗାଇବାର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ଗ୍ଲୁମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଆମେ ହେଉ, କେବଳ ଯେ ମୋରି ଘର ସାମ୍ନାରେ ନୁହେଁ, ମୋରି ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ପଞ୍ଚଗ୍ଲୁମ ଲଗାଇବା। କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆଣିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିବା ନାହିଁ, ବା ତୁଳସୀ ଗ୍ଲୁମକୁ କୌଣସି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନିବା ନାହିଁ। ଆମର ହିତାଧିକାରୀ ବନ୍ଧୁ ବା ଆମ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଗ୍ଲୁମ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଗ୍ଲୁମ ରୋପଣ କରିବାର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ନିହାତି ଉଚିତ। ଚମତ୍କାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରତି ଘରେ ବିନା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଧର୍ମର ଆଧାରରେ ପଞ୍ଚଗ୍ଲୁମ ନ ରହୁ, ଧର୍ମର ଆଧାରରେ ପଞ୍ଚଦଳ ତରୁର ସ୍ଥାପନା ନ ହଉ, ବରଂ ଆମ ଜୀବନ ଜିଇଁବାକୁ ସହଜ ସରଳ, ଆମକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ସ୍ତରରେ, ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସ୍ତରରେ, ସବୁ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଳ୍ମ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଆମ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଚେରୀ ଯାହା ଆମକୁ ସାରା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ତେବେ ଗୁରୁଜୀ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିହାତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏକଥାକୁ ଜାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ପଞ୍ଚଦଳକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ ନା? ପଞ୍ଚଦଳ ସମର୍ପିତ ହେଲା ପରେ ଏ ମାଟିର ପ୍ରାଜ୍ଞ ଋଷି ମୁନି ବିଦ୍ୱାନ ଆପଣଙ୍କ ପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଏହାର କାରଣ ପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ? ଯାହା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଯେ ପଞ୍ଚଦଳ ସମର୍ପଣ କଥା, ଆଜ୍ଞା, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତ ପଞ୍ଚଦଳର ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ଆଗରୁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି କଥା ବା ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆସିବା, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି ବା ଦନ୍ତ କଥାରେ ଅଛି, ଲିଖିତ ଭାବରେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଶବର ସଂସ୍କୃତି। ଏ ଶବର ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବୁ ସବୁ ତ ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତେଣୁ ଶବର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଶବରର ପୂଜା ବିଧିକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଆମ ଶବରର ଦିଅ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଦଳ ଦାନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ଦେଇ ପୂଜା କରୁ, ଯାହା ଏବେ ବି ଶବର ସଂସ୍କୃତିରେ ଡାଳଖାଇ ଦେବୀ ବା ଡାଳଖାଇ ଦେବ ଡାଳଖିଆ ଦେବତା ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଦଳ ଦେଇ ଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ, ବା ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ, ପତ୍ର ଭିତରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ଅଛି ସଂସାର ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଶବର ସଂସ୍କୃତି ବୁଝିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ସହ ନିଜ ଦିଅଁର ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଥିଲା। ପଞ୍ଚଦଳର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଶବର ସଂସ୍କୃତି ପାଖରେ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିର ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଶବରଟିଏ, ଯାହା ପାଖରେ କୁହାଯାଏ ବୈଦିକ ଭକ୍ତି ନଥିଲା, ଯାହା ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, କୌଣସି ନୀତି ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବଣର ଗଛର ଡାଳରେ ପତ୍ରରେ ସେ ସଜଉଥିଲା କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି, କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରୀରକୁ। ଗୁରୁଜୀ, ଆମେ ଶବର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସେହି ଡାଳପତ୍ର ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଖରେ ଅଟକିଥିଲେ। ଯାହା ଆମେ ଶବର ପରମ୍ପରାର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ଶବର ଦିଅ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ଶବର ପରମ୍ପରା ନୀତି ବିଧି ବିଧାନ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୁରୁଜୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏସବୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣି ବା ଶବର ସଂସ୍କୃତିର ଦାୟିତ୍ୱମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମକୁ କ'ଣ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଣ ଜଣାଥିଲା, ଅତେବ ସେ ଏହି ପତ୍ରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇଥିଲେ? ଯଦି କାରଣ ଜଣା ନ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଶବର ପରମ୍ପରାରେ ବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁଛେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ପଲ୍ଲବ ଅଛି, ଏମିତି ପତ୍ର ଅଛି ଯେ ଯାହା ସୁବାସିତ, ଯେ ସେ ପତ୍ରକୁ କାହିଁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ପତ୍ର ଅଛି ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଆଯାଉନାହିଁ।
ते यार कारण कौन थिला तेणु सी जो कहलू जे जो ज्ञान ये पल्लवर कौन कार्यकारिता आ भितर कौन रसायन अच्छी से ज्ञान विषय रे सबर संस्कृति बा सबर मानकर ज्ञात सारे थिला एवं से पल्लव केमिति ठाकुर को दिया बा काहीकि दिया जीव एवं ता द्वारा कौन लाभ हम सेतक मध्ये तांको जणा थिला जो थिपाई ए परंपरा प्रचलित होइछि एवं आमे जो पंच पल्लवर सेवा करूछि भव प्रभु जगन्नाथ को ता पछरे मध्य विज्ञान अछि ता पछरे समाज सुरक्षार कथा अछि ता पछरे गोटे निरोग परिवेश सृष्टि करिवार जो महत लक्ष्य से लक्ष्य अछि तो आ पूर्वरु जणा थिला जेतेबेले आमे ठाकुर को समर्पण करथिले पल्लव बा पत्र समर्पण करथिले ता पूर्वरु आमको ग्रुम विषय रे ज्ञान थिला चेरमूली विषय रे ज्ञान थिला काहीकि ना ये होची वेदर पाठ ये गोटे आयुर्वेद ता देहरु आसुची ए पाठ बा वनस्पति तंत्ररु आसुची ए पाठ जो कथा सबर संस्कृति जानिथिला एवं मनीष समाज जानिथिला तापरे व्यवहार करा जाइछि महाप्रभु पाखे तो फूल दिया होउछि ता सहित किंतु पल्लव सेवा सबुठ श्रेष्ठ सेवा बोली मानुछन्ति तेणु ये जो ज्ञान कथा आम कहले आकु केही जने उपस्थापन करनी बा हेला परे आमे ताकु जुक्ति संगत करिया पाए ता पछरे थिबा कारण को बाहर करूने कारण थिला कारण को नहीं व्यवहार करा जाउथिला किंतु आमे व्यवहार भितरे एते मजी जाइथिले कारण कथा भाबिया पाए आम पाखरे समय नथिला आमे कारण को पछरे जानिया पाए चेष्टा कले जे आ द्वारा मानवर कौन हित हम जो लोकटी जाउची भगवान को पाखकु बा ठाकुर को पूजा करिया पाए जाउची गोटे मनरे किछि संकल्प नहींकि जाउची कामे सब कहू जे निर्विकार भाव रे जणे जाई कि ठाकुर को डाकिबो जहाँ केवल सन्यासी मानक पाए प्रजुज्य जे साधारण सांसारिक व्यक्ति जेतेबेले तार इष्ट पाख को जाए ता भितर अभीष्ट थाए से किछि चिंता करि जाय थाए किछि कामना करि जाय थाए एवं से कामना प्रतिफलित केमिति हम ना निज भितर से पुरुषत्व आसिले जेतेबेले से पंचदल को धारण करि निज हाथ रे जाए जेतिकि समय से धरिकि जाए सेतिकि समय ही यथेष्ट ता शारीरिक परिवर्तन करिया पाए ता शरीर भितर थिबा रसायनर परिवर्तन करिया पाए ता शरीर भितर थिबा हार्मोन सिग्रेशन रो चेंज आनिया पाए एवं ता भितर गोटे बलिष्ठ व्यक्तित्व सृष्टि करिया पाए ता मानसिक स्तर रे ताको दृढ़ करिया पाए से धरिकि जेतिकि समय संस्पर्श रे आसुची सेतिकि ही यथेष्ट गोटिए परे गोटिए सत्य जहाँ साधारण मनुष्य को विश्वास करिबा कठोर होउची आ कठिन होउची सतरे केते महान आम संस्कृति केते प्राज्ञ थिले आम पूर्वपुरुष आम मानक अजाणत आमे माने जानिनु से माने एते सब अवदान देइचंती आम समाज को आम धार्मिकता को आम बंचिबार शैली को जहाँ पछरे ज्ञानर सीमा जेतिकि विज्ञान संप्रुक्ति मध्य ठीक सेतिकि एबे गर्वरे कहिबाकु इच्छा होची आमे ओडिया ए ओडिसा आमर कुड़िया एटे ज्ञान अच्छी विज्ञान अच्छी प्रज्ञान अच्छी सब किछि अच्छी केवल उत्तर पीढ़ी भावरे पूर्व पीढ़ी ठू ये प्रज्ञा को आहरण करिवार अच्छी प्रस्तुत हुवंतु युवावर्ग श्रावणर मेघ परि आसिकी पुणि चली न जाऊ एमिती प्रज्ञा ये प्रज्ञा आम मथार मुकुट हो ये प्रज्ञा आम हृदय स्पंदन हो ये प्रज्ञा आम मन चिंतन हो एमती एक प्रार्थना करी महाप्रभु निकट में धन्यवाद ज्ञापन करी विज्ञानी गुरु को जी दीर्घ समय धरी आम सहित अच्छा आपण निकट में ये बौद्धिक तत्व व साधारण घटनावल पचर थी असाधारण विज्ञान कथा जनाऊँ धन्यवाद गुरुजी जय गुरुदेव जय गुरु दर्शक बंधु एवं समय होती आपँक विदाय नबार विदाय दिंतु पुणी आपण सहित देखा हे आपण प्रिय कार्यक्रम दिव्यावलोकन आ गोटे सुंदर अध्याय जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। प्रार्थना आमो आनंदर उत्स।